जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, गुलबर्गे का नागरिक। वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा के आवाम को ये तहलका देना चाहता हूँ कि आने वाली जुमेरात के दिन यानी 25 तारीख को एक प्रोटेस्ट मुनाकिद किया गया है। सुबह 10 बजे जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक ये एक पद यात्रा होगी। प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये जो बीजेपी की हुकूमत में ये जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेके ये जो जुल्म उठा रहे माइनॉरिटीज के ऊपर और एससी एसटी के ऊपर, दलितों के ऊपर, इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को मुसलसल एहतजाज करना बहुत जरूरी हो गया है। याद रखिए, जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है, और जुल्म सहना गुनाह है इसलिए जरूरी है कि इस गुनाह से बचने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट में शिरकत करवाना जरूरी है। गुलबर्गे के अवाम को हम हर हमेशा प्रोटेस्ट में ये इन्वाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट, हमेशा याद रखिए, जो प्रोटेस्ट होता है वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए प्रोटेस्ट होता है। आने वाले वक्त में उलमाए किरामों से भी हम गुजारिश करते हैं कि भाई उलमाए किरामों को प्रोटेस्ट में शिरकत करवाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट होता है ये उलमाए किरामों की प्रोटेक्शन के लिए ही प्रोटेस्ट होता है। ये जो प्रोटेस्ट करते हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए और कारोबार ना ये होने के लिए, इफेक्ट ना होने की वजह से इसलिए प्रोटेस्ट किया जाता है, क्योंकि कारोबार का भी हम देख रहे हैं कि भाई गाय के बिल, कौ रक्षा के बिल में, कौ स्लॉटर बिल के नाम पे आज कुरैशियों का कारोबार खत्म किया गया। हिंदू और मुस्लिम के जात धर्म के नाम पे मुसलमानों से कारोबार नहीं करने के नाम पे कारोबार को रोका जा रहा, कई जगह जुल्म उठाया जा रहा। तो इस जुल्म के लिए हमको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। गुलबर्गे के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, कारोबारी वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं 25 तारीख को, ये प्रोटेस्ट में आप लोगों को आना बहुत जरूरी है, लाजिम है आप लोगों को आना। अगर आप लोग आएंगे तो गुलबर्गे में इतिहास हम बता सकते हैं। इस इतिहाद का मैसेज हम बीजेपी हुकूमत, स्टेट और सेंटर को हम दे सकते हैं। इस इतिहाद के जरिए से हम हमारे गुस्से को जाहिर कर सकते हैं। इस इतिहाद के जरिए से हम हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों को इतिहाद में आना, और इस बीजेपी हुकूमत को इस हिंदुस्तान से निकालना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खास तौर पर वो गैर मुस्लिम जो एक सेक्युलर सोच रखते हैं, जो इस बीजेपी की जो घटिया आइडियोलॉजी है, ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, वो लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए, क्योंकि आज जरूरी है। हिंदुस्तान को अगर हमारे को बचाना है तो हमको इतिहाद में आकर ये जो राजनीति, जो घटिया राजनीति चली हिंदू मुसलमान को बांटने के नाम पर, उसके खिलाफ तैरना है। और हमारे को हिंदुस्तान में एक एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर हमको काम करना है। इसलिए इतिहाद में आना हम लोगों को बहुत जरूरी हो गया है। और ये जो बीजेपी का एमएलए राजा सिंह तेलंगाना का, जो ये घटिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किया, इसको तो बेशक अल्लाह इसको अजाब देने वाला है, अजाब अल्लाह की तरफ से तो होना है, बस जरिया हम लोग बनना है, ये याद रखिए। ऐसे राजा सिंह, ऐसे कई राजा सिंह आपको आज हिंदुस्तान में मिलेंगे। आज हम आपको ये राजा सिंह दिख रहा है, तो ऐसे कई राजा सिंह पैदा होने वाले हैं। इनको पैदा होने से पहले हमको रोकना है। रोकने का तरीका फादर ऑफ अवर नेशन जो गांधी जी हमको बताए हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना है और उसके हमारे गुस्से को जाहिर करना है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो हम फादर ऑफ अवर नेशन जो गांधी जी हमको जो बताए, वो रास्ते पे चलकर हम इंशाल्लाह इस प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मुसलसल करते रहेंगे। जब तक हमारी जान भी अगर जाना है तो हम बराबर जान देंगे, मगर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे जुल्म के खिलाफ, और माइनॉरिटीज, एससी एसटी, दलित, ये लोगों को हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर इंशाल्लाह आने वाली 25 तारीख के दिन इसको कामयाब करेंगे और ऐसे घटिया सियासतदानों को जड़ से मिटाएंगे।